वेलकम बैक वंस अगेन एट व्यापार जगत टीवी एंड आई एम डॉक्टर प्रवीण परमार, फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और रदर आई शुड से रिवोल्यूशनरी डिजिटल फॉर ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स वेर इन यू नो वी एनहांस लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड टूडे वी हैव समवन हु इज वेरी स्पेशल मिस्टर मांगीलाल पटेल। वो एक एडवाइजरी एजेंसी चला रहे हैं जिसका नाम है ट्रस्ट एज एडवाइजरी सर्विसेज एंड ही इज वर्किंग अक्रॉस द इंडिया एंड ही हैज यू नो अ वेरी अमेजिंग जर्नी एंड ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आइए जानते हैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें एंड मैं नहीं बताऊंगा, राइट? सो ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन हिज वर्ड्स वेर इन वी से tell your story to the whole world so that the entire world will know about you, what you do and your business. So Mangilal ji, thank you so much for joining this particular session and welcome to Vyapar Jagat TV and please start with your introduction because yeah, that is somewhere you know you can start with your introduction and then we will talk about your journey, what are the challenges you had during your journey एंड आपने वो चैलेंजेस जो है उसको कैसे ओवरकम किया, क्या विजन है आपका, क्या अचीवमेंट्स है, सारी चीजें प्लीज। यस सर, जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, आई हैव माय ओन एडवाइजरी कंपनी ट्रस्टेड एडवाइजरी सर्विसेज। माय सेल्फ बिलोंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। My father is farmer, my mother is housewife. Very inspiring. From childhood, I would like to help others. And from this motto, this object, I came into this profession to help people, to educate them. तो मंगलाल ये बताइए कि आपने आपने अपने पढ़ाई कहाँ पे करी है? आपने बताया कि आप फार्मर फैमिली से हो, तो आप कौन से विलेज में रहते थे, कौन से गांव में रहते थे एंड वहाँ पे म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाई करते थे या सेल्फ फाइनेंस कोई प्राइवेट स्कूल हुआ करता था उसमें पढ़ाई करते थे? सो दैट इज समथिंग आई थिंक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट यू, बताइए इसके बारे में। बताइए सर, मेरी प्राइमरी एजुकेशन एक छोटे से कस्बे में हुई, छोटे से गाँव में। मेरे गाँव का नाम नेंदोल, जो गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे है। अच्छा। मिडिल तक की पढ़ाई के बाद में मैं 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, वहाँ पे मैं गया स्टडी के लिए एंड आफ्टर दैट आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम देयर। आफ्टर आई डिड सम मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज इन द फाइनेंस एंड मार्केटिंग ऑल्सो। आफ्टर दैट आई केम हियर अहमदाबाद। My cousin brother just started business here and I came here to visit. One, two, 3 days I stay here and I see in Ahmedabad. I like this city and I settle here to do my practice here. In starting phase, I had job with MNC multinational company. I worked for there 13 months and after that, some of my colleague working me as a part time in the insurance advisor. She forced me to take some plans for me. But that time, sir, I can't afford. I don't have enough money to invest in insurance. Yes, so that's why I ignore them. But I don't know. She's my close friend. She emphasizes me to do this business. She emphasizes me to come into this business and do this work, right? Like that. That time I don't know the membership. That time I don't know the all fringe benefits of this organization. But she just told me about the MDRT. MDRT is which is the prestigious club of financial advisors across the globe. I came into this business in 2009 and my journey will start 2009 से। Yes। तो आप ये अपने जो advisory start करी, wherein you know as an insurance advisor you are working, तो
आप उससे पहले जो आपने जॉब की वो जॉब कौन से सेक्टर में थी, आप क्या करते थे वो जॉब के? आई एम अ टीम लीडर इन टेली कम्युनिकेशन सेक्टर दैट टाइम, बट दिस जॉब वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑन प्राइवेट सेक्टर, देयर इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग मी. आई वर्क फॉर मोर देन 12 आवर्स देयर, बट यस आई कैन से job experience must needed for each and every person, you know, because from your service you know the value of time. So I learned from many things there, and this all things I implement in my self-employed, my this profession, and I am doing by bless of God good right now. Superb. तो मंगला जी ये बताइए कि आपको आपकी फ्रेंड ने बताया कि आप इसमें आ जाओ, इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो उस टाइम पे व्हाट वाज योर थॉट कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने क्या स्ट्रेटेजी, क्या मैथमेटिक्स लगाया कि नहीं ये आपको करना है फ्यूचर के लिए, क्या मतलब वो एक चीज क्या थी कि जिसने आपको फोर्स किया कि आप ये पर्टिकुलर काम जो है इसको स्टार्ट करो? एक्चुअली सर मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बाई चॉइस आया नहीं, बाई चांस आया इस प्रोफेशन में. अब मेरे को ऐसा था उस समय कि मैं उनको अगर कुछ बिजनेस दे नहीं पा रहा था तो मुझे लगा कि मैं ज्वाइन ही कर लूँ तो कम से कम मेरी फ्रेंड का रेस्पेक्ट रह जाएगा. राइट. तो उस वजह से मैं ये प्रोफेशन में आया. शुरुआत में सर जैसा कि हर जगह पे कठिनाइयाँ आती है तो मुझे भी, मेरे लिए शहर नया था, लोग नए थे, बिल्कुल मैं यहाँ जानता नहीं था किसी को, तो मुझे भी बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा. बट धीरे धीरे मुझे लगा कि इस प्रोफेशन के माध्यम से आप किसी परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी बच्चे की एजुकेशन का प्रोविजन करते हैं, किसी गर्ल साइड की मैरिज का प्रोविजन करते हैं, या किसी व्यक्ति के रिटायरमेंट का आप प्लानिंग करते हैं, ये सब चीज से मुझे बहुत आनंद आता गया. लाइक दैट इनडायरेक्ट वे में पब्लिक वेलफेयर का ही हम काम कर रहे हैं, तो उस वजह से मेरे को अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे मैं लोगों से मिलता गया और धीरे धीरे मेरा काम भी बढ़ता गया. मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये प्रोफेशन में हूँ, और आज मैं उस मेरे मित्र का मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड करता हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे एक अच्छे फील्ड में ऑफर करके और मुझे फोर्स करके इस फील्ड में मुझे काम करने का लिए प्रोत्साहित किया. मुझे क्या बात है जी, बिल्कुल. सो क्योंकि ये आपका जो डोमेन है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर देयर दोज हु आर सेलिंग इंश्योरेंस, लॉट ऑफ पीपल आर देयर दोज हु आर यू नो द फाइनेंस एडवाइजरी जो पर्टिकुलर डोमेन है उसमें काम करते हैं, है ना. तो आप कितने कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हो और आप क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या सर्विसेज देते हो ये अंडर दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी व्हिच यू आर रनिंग? सर एज आई डिस्कस अबाउट माय पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ साइज बिकॉज इट इज थर्ड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इन केस ऑफ इनकम इट इज मोर देन बजट ऑफ एनी स्टेट ऑफ नेशन. In terms of income, it is very very big financial institutions of India. In terms of brand, it's in everyone's house. And in terms of faith and trust, there is no any need of introduction. Where I am working, this is India's biggest financial institution, Life Insurance Corporation of India. Har pal aapke saath. Bilkul. To aap only LIC ke liye hi kaam karte ho ya aap kisi dusri company HDFC hai ya ICICI hai sabke saath kaam karte ho? Sir, my parent organization is LIC. Okay. I am working in all insurance field. I am working in GIC. I am working for health insurance also. I am working for general insurance. Achha. I am working for property insurance. All kind of insurance service we provide through our advisory services.
we also provide taxation service like that, income tax, GST, taxation compliances. We also provide loan advisory. So we provide multiple work on a single platform. Super. तो मंगेला जी, आप ये जो जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने बताई कि बहुत सारे काम आप कर रहे हो, है ना, तो ये आप, क्योंकि अहमदाबाद इतना बड़ा है, राइट, सो ये सिर्फ आप अहमदाबाद के लिए ही करते हो या आप अहमदाबाद के अलावा कुछ और रीजन्स भी हैं जहाँ पे ये काम करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते हो, जैसे आपने बताया कि आप लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाए, आपका हेल्थ भी और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो आप वो कितनी कितने रीजन में ये पर्टिकुलर चीजें करते हैं? वर्क बेस इज अहमदाबाद, बट आई एम स्टेशन्ड, आई वर्क इन अहमदाबाद, बट विजन टू एजुकेट पीपल, आई वर्किंग अक्रॉस द कंट्री वेयर एवर माई पीपल आर बेस्ट. अच्छा, तो आप सिर्फ एजुकेट करने के लिए जाते हो या आपके क्लाइंट्स हैं वहां पे एक्चुअली? I have clients in every metro cities across the India. Yes, except northeast five states. अच्छा, तो आपके clients जो है मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में होंगे, सब जगह पे? जी, सब metro cities में है, सिर्फ northeast के पांच राज्यों को छोड़ के हर cities में मेरे clients हैं metro cities में. और ये अगर number की बात करें तो कितने क्लाइंट्स होंगे आपके? सर, टिल नाउ आई मेट विथ 15,000 एंड मोर पीपल्स, बट आई हैव 3,500 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स विथ मी इन माय वेरियस सर्विस सेगमेंट. 3,500 क्लाइंट्स, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स यू हैव? यस, इट्स रियली ऑसम, अमेजिंग. ओके, तो मंगेला जी ये बताइए कि आप ये जो अभी काम कर रहे हो, आप अहमदाबाद में कर रहे हो, आपने बताया कि आप पूरे इंडिया में ये चीज कर रहे हो, है ना, तो आपका विजन क्या है, आप फ्यूचर में कहाँ पे, आप 10 साल के बाद आपको कहाँ पे देख रहे हो, आप कुछ मतलब कहीं पे एज ए इन्वेस्टर जाना चाहते हो या फिर वेर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद अगर मंगेलाल को मिलना हो तो आप क्या मतलब होंगे उस टाइम, क्या सोच रहे हो? सर, as a financial advisor, my vision is to secure people with their short-term and long-term financial goal. My vision is to protect their family against unforeseen risk. My vision is to give a quality advice individuals and as a organization or as a institute. Individually I have many reasons, but as a professionally I share with you, I would like to become a frontline advisor of the corporations. Kya hota hai frontline advisor, kya hota hai? Sir, there is some criteria for that within the time period. अच्छा, वो एक ऊपर का लेवल होता है? Yes. Okay. So top of the table is the top criteria or as a financial advisor across the world. अच्छा, top of the table. Top of the table. So I would like to become top of the table. Yeah. 0.01% financial advisor qualified for that. अच्छा, तो उसके लिए मतलब क्या छोटे से कुछ नंबर्स होते हैं कि इतना टर्नओवर करना पड़ता है या यू हैव टू डू सम यू नो सॉर्ट ऑफ योर कैलिबर एंड कैपेबिलिटीज दिखानी पड़ती है, क्या होता है? विद इन द पीरियड ईयर बाय ईयर द मिलियन डॉलर राउंड टेबल व्हिच इज द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर अक्रॉस द वर्ल्ड डिसाइडेड सम पैरामीटर्स इन द प्रीमियम काउंट. अच्छा, so we have to fulfill this parameter within the period and we qualified for that title top of the table. So this is my vision and my dream. अच्छा,
चलिए बताइए, अभी ये आपके बारे में ये तो जान लिया, अब ये बताइए कि आपका ये जो भी पूरा जर्नी रहा है, जहाँ पे आपने बताया कि आप एक छोटे से गांव से आते हो, आपने देखा कि इतना बड़ा सिटी है, तो सो फार आपके अचीवमेंट्स क्या है जिसको आप समझते हो कि ये मेरा अचीवमेंट है, और आपको रिकग्नाइज कितनी बार किया लोगों ने, व्हाट आर दी सेट ऑफ रिकग्निशंस यू हैव? एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर इन माई करियर लास्ट 15 ईयर I have been awarded and recognized by many times by organization in intervals. I mention MDRT, which is already I told globally prestigious Institute of Financial Advisor across the globe. I qualified for this title constituently last 4 years. Individually, my honor is my valuable clients' satisfactions, which is give me more satisfaction of my journey so far. I have my satisfied clients with me who love me, faith me, trust me. This is my real recognition. Superb. And so Mangila, देखिए मैं आपको, मैं मतलब जहाँ तक इंश्योरेंस अंडरस्टैंड करता हूँ, और मेरे साथ मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग इसको अग्री करेंगे कि आज की डेट पे दो वर्ड्स, एक मतलब कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स या फिर लॉन्स राइट एंड इंश्योरेंस, ये कुछ वर्ड्स ऐसे है कि जिनको लेके दिन के बहुत सारे कॉल्स आता है, ठीक है? अब ये कॉल्स जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं, एंड जब भी कोई इंश्योरेंस वाला बंदा कोई कॉल करके बोलता है कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम यू नो सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन एंड यू नो आई वांट टू हैव योर 2 मिनट्स टू बिकॉज आई हैव सम न्यू प्रोडक्ट और समथिंग, सो पीपल इग्नोर इट. एंड जहाँ तक मैंने देखा है कि इवन इन द रेफरल्स ऑल्सो, जब इंश्योरेंस वाला बंदा कहीं पर बैठता है तो लोग सोचते हैं कि अरे यार इसको मत रेफर करो. तो ये एक टाइप से मतलब हर जगह पे नहीं होगा आई एम श्योर, बट कुछ लोग कुछ जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे लोग इंश्योरेंस वाला बंदा जो है उसको बहुत थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं, एंड वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एक एडवाइजर के पास भी आती है बिकॉज ही नोज कि यार मुझे थोड़े बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी जो है उसको आप कैसे हैंडल करते हो, एंड हाउ यू स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, एंड हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ? सर, आपने जैसा बताया कि जो फोन कॉल्स आते हैं फॉर द इंश्योरेंस और लोन्स हर इंसान को फ्रस्ट्रेट करते हैं, आई नो. सर, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एज ए साइकोलॉजिकल वे में अपने कुछ डिस्कस कर रहे थे, कि कोई भी चीज अगर आप सामने से ऑफर कर रहे हो उस चीज की कदर नहीं होती सर. और इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इट इज ए कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस सर. और वो फोन पे अगर आप ऑफर कर रहे हैं उससे कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो कन्विंस नहीं होता. इट इज द बिजनेस, वी सिट ऑन टेबल, वी एनालाइज, वी डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ इंडिविजुअल, एंड आफ्टर गो थ्रू दिस इज द राइट मेथड ऑफ प्रोटेक्ट टू फैमिली, गिव इंश्योरेंस टू इंडिविजुअल. सो आई एग्री विथ यू कि मतलब जो फोन कॉल आता है उससे होता है, स्वाभाविक है. लेकिन सर, इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस इज इसेंशियल प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन. प्री कोविड हम इस फील्ड में काम करते थे, और अभी पोस्ट कोविड सर काफी कुछ बदल गया है. राइट नाउ पीपल आर वेरी मच एजुकेटेड अबाउट द इंश्योरेंस. बिल्कुल. सो ये जो फोन कॉल आ रहे हैं, फोन कॉल आप अगर रेफरेंस के थ्रू कर रहे हैं, आप सामने वाले इंसान से अपॉइंटमेंट लेकर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको अच्छा रेस्पॉन्ड करेगा ग्राहक. लेकिन अगर आप वो अपने काम में व्यस्त और आप बार बार फोन कर रहे हैं, दैट इज फ्रस्ट्रेशंस, और उससे आपका क्लाइंट भी प्रभावित होता है और आप उसको बेहतर सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर सकते. सही बात है जी सर. मेरा सर ऐसा है कि आज दिन तक का मेरा जो जर्नी रहा है इस फील्ड में,
मैं नीड बेस्ड प्लानिंग करता हूँ कस्टमर के साथ में, बिना बैठे बिना डिस्कस किए उनकी नीड जाने बिना मैं कभी उनको कोई प्लान ऑफर नहीं करता। अगर कस्टमर सामने से आकर के बोलता है कि जनरली रेयर होता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन कोई कस्टमर अगर सामने से आकर के बोलता है कि सर मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो भी मैं उस व्यक्ति विशेष को उसका पोर्टफोलियो चेक करके उसकी नीड एनालिसिस करने के बाद मैं इंश्योरेंस ऑफर करता हूँ। बिकॉज आई बिलीव इंश्योरेंस देना और एजुकेट इंश्योरेंस देना, पर्याप्त बीमा, उसमें काफी फर्क है। सही बात है। और काफी कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर इस मामले में कहीं ना कहीं कमी छोड़ जाते हैं और उनको पर्याप्त इंश्योरेंस कवर नहीं दे पाते। तो मेरा विजन ये है कि आपके जो भी क्लाइंट हैं, आप जिनसे भी मिलते हैं, उनको आप उनका जो ह्यूमन वैल्यू है उनके अनुरूप पर्याप्त उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इन दिस फील्ड वी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम टू वेज। इफ पॉलिसी होल्डर सर्वाइव लॉन्ग देन दे एंजॉय देयर रिटायरमेंट लाइफ थ्रू दिस प्रोविजन। बिल्कुल। इफ अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर सर्वाइव शॉर्ट, इन दैट केस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हिज फैमिली। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जल्दबाजी में आप किसी को अंडर एस्टिमेट करके और आप उनको अपर्याप्त इंश्योरेंस दे रहे, वो सही नहीं है। इस वजह से मेरा विजन हमेशा ये रहता है कि मैं जिस भी ग्राहक से, जिस भी क्लाइंट से मिलता हूँ, पहले उसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में उसको एडुकेट इंश्योरेंस देने की पूरी कोशिश करता हूँ। सुपर। एक एंथुजियास्टिक, एक एक्सपीरियंस्ड, एक लीडर, एक जो हमारे साथ है मंगेलाल। सो देखिए, ये पर्टिकुलर जो चीज़ ही शेयरिंग जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से इट इज़ अ लर्निंग फॉर लॉट ऑफ अर्ली राइजर्स, लॉट ऑफ जो नया अभी ये पर्टिकुलर डोमेन जो है उसमें एंटर हो रहे हैं, इनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। एंड टेक इट पॉजिटिवली एंड यू नो इट हैज इट मीन्स अ लॉट। आई मीन सो यप मंगेला जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मंगेला जी, अब ये जो भी, अब क्योंकि ये डोमेन ऐसा है कि यू नो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, जैसे आपने बताया कि मार्केट भी बहुत बड़ा है, इंश्योरेंस का डोमेन जो है वो बहुत बड़ा है ना। तो और भी लोग नए इसमें आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग उसका करियर जो है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन यूथ को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जब किसी प्रोफेशन में, किसी जॉब में ज्वाइन होते हैं ना, उसी समय से आप सेविंग की एक हैबिट डालिएगा, क्योंकि सेविंग इज समथिंग बेटर देन नथिंग। और इनिशियली स्टेज ऑफ लाइफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सेविंग करते हैं, तो वो आपको आपका लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको काफी हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, जो भी शुभ चिंतक हमें देख रहे हैं, उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि इंश्योरेंस अति आवश्यक प्रोडक्ट है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहां तक कि ह्यूमन मेंटेलिटी की बात है सर, लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। सही बात है। यह आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके परिवार के लिए एक ढाल का काम करता है, आपके परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करता है। आप अपने जो भी जान पहचान वाले, आपके जो नजदीक के मित्र रिश्तेदार, जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, उनसे आप संपर्क करके और आप एजुकेट इंश्योर अपने आप को करने की कोशिश करें, अपने परिवार को सुरक्षित करने की कोशिश करें। साथ ही साथ युवाओं के लिए मेरा संदेश, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया सर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री वेरी बिग इंडस्ट्री, अभी इस इंडस्ट्री में बहुत संभावना है। बिल्कुल। अगर अपन अपने देश की बात करें, वर्ल्ड वाइड भी बात करें, तो भी इस इंडस्ट्री में बहुत संभावना है।
आप एक प्रोफेशनली फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करते हुए, आप लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करते हुए, लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हुए, आप उनकी जो दुआ लेते हो उससे बढ़कर और कोई प्रोफेशन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता सर। आई पर्सनली फील और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मैं इस प्रोफेशन में हूं और इनडायरेक्ट वे में मैं लोगों के कल्याण का कुछ न कुछ काम कर रहा हूं। इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं। साथ ही साथ मैं मेरे माता पिता का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे एज ए फार्मर होते हुए मुझे एक उनका जितना हो सके उतना मुझे एजुकेशन देने की कोशिश की और मुझे प्रोत्साहित किया, तो उसके लिए मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ और उनका आशीष और बाकी सब शुभ सिंधकों का जो मेरे प्रति जो प्यार है स्नेह है उस वजह से मैं सर आज इस लेवल पे हूँ। थैंक यू सो मच मंगिला फॉर ज्वाइनिंग एंड सो फ्रेंड्स so this is a the quality of leader wherein so much positive, so much the enthusiasm, so many things right? So stay tuned and we are here to bring you lot more such entrepreneurs, such leaders, and you can learn from their journeys, you can learn from their stories. And so if you have not subscribed yet, please do subscribe Vyapar Jagat TV. And do not forget to click on that particular bell icon, because that will give you a notification whenever we will have a new interview. So with that, we are ending this particular session. Thank you so much, Mangilal, for joining this particular session. And yeah, so thank you so much. Thank you, sir. Thank you.